सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारा चैनल देवा इंग्लिश स्पोकन क्लास को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारा हर वीडियो आप तक पहुंचता रहे, वो भी बिल्कुल फ्री। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द डेस्क देवा इंग्लिश स्पोकन क्लास। फ्रेंड्स, अगर अब तक हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो फ्रेंड्स, और बेल आइकन को भी क्लिक कर दो। फ्रेंड्स, हम पूरी कोशिश करते हैं कि जितना भी सरल तरीके से हो सके, जितने भी आसान तरीके हो सके, मैं आपके सामने रखूं, आपको उन तरीकों से समझाऊं ताकि सबको समझ में आ सके। और वो सब भी जो अंग्रेज़ी बहुत कम जानते हैं या बहुत ही कमज़ोर है, उनको भी अच्छी तरह से समझ में आ सके। मैं पूरी कोशिश करता हूँ इस तरह के तरीके और फॉर्मूले आपको बताने की। ठीक है फ्रेंड्स, तो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे। फ्रेंड्स, जैसा कि हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस चल रहा है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में मैंने आपको फर्स्ट डे अफर्मेटिव बताया था और इन्फिनिटी बताया था। फिर दूसरी वीडियो में मैंने आपको सारे नेगेटिव, इंटरोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड्स बताया था। तो आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को ख़त्म करेंगे ये बताकर कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हाउ टू का इस्तेमाल कब करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मैंने आपको बताया था कि हाउ टू का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं और किस तरह के सेंटेंसेस के लिए करते हैं। जैसे वह अंग्रेजी बोलना जानता है, तो ही नोज हाउ टू स्पीक इंग्लिश। हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हाउ टू का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, आइए हम सीखते हैं। कम जैसे हम एक सेंटेंस लेते हैं कि वह तैरना सीख रहा है, तो ही इज लर्निंग। फिर उसके बाद ये दूसरा वर्ब है, तो उसमें हाउ टू लगाएंगे पहले, फिर हाउ टू स्विम। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बोलचाल की भाषा में, मैं आपको ग्रामर से बता रहा हूँ ये, और इस तरह से बोलना अच्छा रहता है और लोग काफ़ी यूज़ भी करते हैं इसको, लेकिन लोग ज़्यादातर बोलचाल के मतलब बोलचाल के टाइम में ज़्यादातर ऐसे भी बोलते हैं कि ही इज़ लर्निंग टू स्विम, ऐसा बोल देते हैं। बोलचाल में चलता है, समझने के लिए बोलते हैं, बस इट विल डू एंड इट डज। ठीक है फ्रेंड्स, ही इज़ लर्निंग हाउ टू स्विम। अगर हम इसका नेगेटिव बनाते हैं तो सिंपल है, आपको पता है क्या करना है, नॉट लगाना है इधर, बस ही इज नॉट लर्निंग हाउ टू स्विम। क्या हुआ, तैरना सीख रहा है, इंटरोगेटिव, इज ही लर्निंग हाउ टू स्विम, क्वेश्चन वर्ड, वह तैरना क्यों सीख रहा है, तैरना क्यों सीख रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो व्हाई इज ही लर्निंग हाउ टू स्विम। ठीक है फ्रेंड्स, आप इस कंफ्यूजन में मत रहना कि यार हाउ टू लगाना ही पड़ेगा क्या, नहीं, मैं एक सिर्फ आपको सही तरीका बता रहा हूं। अब आप इस कंफ्यूजन में मत रहना कि यार ये हाउ टू लगाना ही पड़ेगा क्या, नहीं, आपको हाउ टू लगाने की जरूरत नहीं है। जब आप बातें कर रहे हो किसी से तो आपको दिमाग पे जोर देने की जरूरत नहीं है कि यार इसमें हाउ टू लगेगा कि नहीं लगेगा, तब तक सामने वाला कुछ और बोल चुका होगा। आपको एक सही तरीका मैं बता रहा हूँ कि सही वे क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन बोलचाल में व्हाई इज ही लर्निंग टू स्विम या व्हाई इज ही लर्निंग स्विमिंग चलता है। ठीक है फ्रेंड्स, बट अगर आप कहीं भी बोलते समय अगर आप सही वे यूज करते हो तो ये ज़्यादा अच्छा रहता है ना, ये बेटर रहता है ना। ठीक है फ्रेंड्स, तो सही वे हमको सीखना है, भले ही बोलते टाइम में गलत जरूर हो जाए, चलता है, सामने वाले को समझ में आ जाए वो काफ़ी है, बट सीखना हमें सही वे है। अब बोलते समय में भले ही गलती कर जाए वो गलत बात अलग बात है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से, और मैंने आपको पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो क्लास था उसमें बताया था कि हाउ टू का इस्तेमाल हम कब करते हैं।
जब इसमें देखो दो वर्ब हो, इसमें जो जब सेंटेंस में दो वर्ब हो और यहाँ पे जो मेन वर्ब है यहाँ पे सीखना या जानना रहेगा तो उस सेंटेंस में हाउ टू लगेगा, अगर दूसरा वर्ब भी हो तो। इतना याद रखना, तो इसमें सीखना है। ओके फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी हाउ टू का इस्तेमाल कर सकते हैं और कब कर सकते हैं और किस तरह के सेंटेंसेज में कर सकते हैं और करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम कुछ और सेंटेंसेज लेते हैं स्क्रीन पे कुछ और ज़्यादा समझने के लिए। मेरे पिताजी अंग्रेजी बोलना सीख रहे हैं। माई फादर इज लर्निंग हाउ टू स्पीक इंग्लिश। मेरा भाई हारमोनियम बजाना सीख रहा है। माई ब्रदर इज लर्निंग हाउ टू प्ले ऑन हारमोनियम। वे लोग क्रिकेट खेलना सीख रहे हैं। दे आर लर्निंग हाउ टू प्ले क्रिकेट। क्या तुम आजकल फ्रेंच बोलना सीख रहे हो? आर यू लर्निंग। अगर इसमें आजकल के लिए जो है, हमने आजकल के लिए इसमें जो इस्तेमाल करना है नाउअडेज या दिस डेज, शुरू में या लास्ट में बोल सकते हैं। तो नाउअडेज आर यू लर्निंग हाउ टू स्पीक फ्रेंच। क्या तुम्हारा भाई साइकिल चलाना सीख रहा है? इज योर ब्रदर लर्निंग हाउ टू राइड साइकिल। क्या वह पेड़ पर चढ़ना सीख रहा है? इज ही लर्निंग हाउ टू क्लाइंब अप द ट्री। क्या वह गाना गाना सीख रहा है? इज ही लर्निंग हाउ टू सिंग अ सॉन्ग। क्या तुम्हारी बहन हिंदी लिखना सीख रही है? इज योर सिस्टर लर्निंग हाउ टू राइट इन हिंदी। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि हाउ टू का इस्तेमाल हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कैसे करते हैं और कब करते हैं। तो आज तक के लिए इतना ही, और अभी तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद।